तुम्हारे पास जितने भी पैसे जल्द से जल्द निकालो, जल्दी निकालो। एक मिनट, जल्दी। हमें अपनी एंग्री यंग मम्मी को देखना था, देख लिया। यस, पक्का एकदम। अच्छा क्या तुम लोग आकर, अच्छा क्या 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 देख रहे हो, क्या देख रहे हो? स्माइल तो कर रहे हो मम्मी, लेकिन दिल से नहीं। ऐसा नहीं चलेगा मम्मी, हमें अपनी मम्मी की फेस पे ना 1000 kW वाली स्माइल देखनी है। हाँ, आपकी सिग्नेचर स्माइल जो हमारी जिंदगी में रोशनी भर देती है। स्माइल तो कर रही हो। कहाँ चले गए सब लोग? समर तो किंजल स्वीटी, हर चीज का, हर बात का, हर दिन का, हर रात का, जो सर पर रखा है सदा ममता भरे उस हाथ का। थैंक यू। हमने की मिस्टेक्स जब जब, ना रहे हम नेक जब जब, दुनिया की बातों में आके रहे हम फेक जब जब, तूने संभाला है हमें, तूने ही पाला है हमें, सब प्रॉब्लम सब मुश्किलों से तूने निकाला हमें है, आज आंसू बह रहे हैं, सारे बच्चे कह रहे हैं थैंक यू माँ, थैंक यू तुझे, थैंक यू माँ, थैंक यू। गम से पीछा तू छुड़ा दे, अब तो थोड़ा मुस्कुरा दे, इतनी प्यारी जो हंसी है सबके कानों में बसी है, आने दो ना उसको मम्मी, कहने दो ना उसको मम्मी, थैंक यू माँ, थैंक यू तुझे, थैंक यू माँ, थैंक यू। हे जी जी रे, मम्मी स्माइल ना। हाँ मम्मी प्लीज स्माइल ना। अगर चवन्नी पर बुला दो, चवन्नी सा। हाँ? अनुपमा, I hate tears. Come on, my pinky baby. को तुमने ही तो संभाला है, देखा है मैंने। Thank you.
बेटा आपके पापा इतनी दूर आपसे मिलने आए हैं यहाँ और आप ऐसे बिना बताए स्कूल ट्रिप पे चली गई. Not done, baby. Sorry, papa. But don't worry, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, okay? हाँ. मम्मी से बात हुई? मम्मी मुझसे मिलने कब आएंगी? छोटी वो आपने बताया क्यों नहीं कि आप जाने वाली हैं? आप छोटी क्या कर रहे हो? I'm really missing you, बेटा. I miss you too. अच्छा, listen. आपने पापा को वो बोला जो आपको बोलना था? Oh, हाँ. पापा, मैंने आपको मेरी शॉपिंग लिस्ट सेंड कर दी है. मैं जब तक आऊंगी तब तक मेरी सब चीजें आ जानी चाहिए, ओके? आ जाएगा बाबा, ओके. ओके पापा, बाय. अब मैं रखती हूँ. बाय बेटा, टेक केयर. तुम्हारे फेवरेट फूल. अनुपमा, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरा यहां आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ विश करने आया हूं, एक दोस्त की तरह. हम पहले भी इस रास्ते पे चल चुके हैं. आप पहले भी दोस्त बनना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं. प्रॉब्लम ये थी कि आप सिर्फ दोस्त नहीं बने रहना चाहते. कभी आप दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं, कभी आप दोस्त से ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं. तो क्यों कोशिश करना? इससे अच्छा जैसा है वैसे ही रहे. हम दोनों अजनबी ही बने रहे. दोस्ती नहीं आती तो रहने देते, है ना? जिंदगी ने इतना कुछ सिखाया है अनुपमा, एक बार दोस्त बनना भी सीख लेता. इसलिए यहां पे आया हूं तुम्हारे पास एक खुशखबरी शेयर करने के. मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है. अच्छा. बापूजी ठीक कहते थे कि जब तक तेरा व्यवहार, तेरा बर्ताव ठीक नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा. और सही है. जब से मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की है, अपने आप को बदलने की कोशिश की है, सब अपने आप ही अच्छा हो रहा है. अच्छा. अनुपमा, मैंने हर तरह के रिश्ते देख लिए दुनिया में. शादी की, फिर तलाक हुआ, फिर शादी की. लेकिन एक बात मैं समझ गया हूं कि हर रिश्ता अपने आप में एक ट्रांजैक्शन है. हर रिश्ते में दो लोगों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए. बिना उम्मीद, बिना एहसान, बिना खुदगर्जी और बिना मतलब का सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, दोस्ती. और वही दोस्ती मैं तुमसे करना चाहता हूं अनुपमा. तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं और इस दोस्ती में तुम्हें यह हक देना चाहता हूं कि तुम्हें कभी भी मेरी किसी भी बात का बुरा लगे तो तुम मुझे तुरंत कह सकती हो, मिस्टर शाह, शट अप. मिस्टर शाह, सच में शट अप. अनुपमा प्लीज. देखिए, पूरे अहमदाबाद में इतने यूटर नहीं होंगे जितना आप जिंदगी में लेते हैं या दिन में लेते हैं. सुबह आपको दोस्त बनना होता है, दोपहर को दोस्त से ज्यादा, शाम को दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं और दूसरे दिन धोखा दे के चले जाते हैं. पता है दिवाली की लाइट होती है ना जो बार 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 रंग बदलती है, उसकी जगह पर अगर आपको खड़ा कर देंगे तो दोनों में फर्क ही नहीं पता चलेगा. इस बार ना तो रंग बदलेगा और ना ही ढंग. अनुपमा, मैं दोस्त बन के दिखाऊंगा और दोस्ती की मर्यादा कभी पार नहीं करूंगा. और अगर ऐसा हुआ तो
तुम जो चाहे सजा दे सकती हो। चलिए अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो आपकी दोस्ती का रिपीट टेलीकास्ट भी देख लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस बार कोई पंडराज शाह जैसी हमेशा वाली हरकत की तो जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। बेटा आज मैं किसी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, रात तक लौटूंगा। तुम अपनी मम्मी का और बाबूजी का ख्याल रखना। वो पापा लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? है कुछ काम बेटा। अनुपमा ठीक है। तुम आते तो शायद मम्मी की ये स्माइल और ब्राइट हो जाती। नाइस पिक्चर्स। अनुपमा भी वही कर रही है जो हम कर रहे हैं। शी इज ऑल्सो मूविंग ऑन और यही सही है। अपना अपना काम करो और बिजी रहो। अब अपने दुख में अनुपमा ने डांस एकेडमी पर ताला तो नहीं लगा दिया ना, उसे बंद तो नहीं कर दिया ना, तो हम इतने बड़े बिजनेस पर ताला कैसे लगा दें? सोचो। फ्लाइट का टाइम हो रहा भाई, जल्दी करो थोड़ा सा। सही कहते हो, माँ के हाथों में जादू है और मम्मी के हाथों में तो एक्स्ट्रा जादू है। करेक्ट। अरे मम्मी सिंपल से खाने को ना एकदम टेस्टी बना देती है और सिंपल सी ड्रेस को एकदम डिजाइनर, मतलब ये कमाल मम्मी कर सकती। आई एग्री। बस अब बस खाना खाओ, चुप रहो। वाह ए डिम्पी, चल आजा, तू भी आजा। मम्मी ये जेलस हो रही है। नहीं मैं जेलस हूँ। जेलस हो ले। मुझे कुछ कहना है। ये डांस एकेडमी भले ही शुरू मैंने की है लेकिन कुछ समय से, काफी दिन से, काफी महीनों से मैं यहाँ समय ही नहीं दे पाई, ध्यान ही नहीं दे पाई। तो अगर ये डांस एकेडमी आज अच्छे से चल रही है, अगर इसमें नए नए एडमिशन हो रहे हैं, तरक्की कर रही है, तो इसके पीछे इन दोनों की मेहनत है। और सच्ची करे कर थैंक यू
मैं नहीं थी, लेकिन मेरे पीछे मेरे सपनों को तुम दोनों ने सजाए रखा, एकदम चकाचक चमकाए रखा, उसके लिए दिल से थैंक यू। लो, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है मम्मी, अब माँ के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? वैसे भी ये सब आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा, आप बस हमें ऐसे गाइड करते रहना, हम आपके सेनापति बनके डटे रहेंगे। अब उस डांस एकेडमी को तुमने ही तो संभाला है, देखा है मैंने। जीबा, किंजल ने बताया कि तू कहीं जा रहा है। जीबा, कुछ काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि अचानक जाना पड़ रहा है? है कुछ काम बाप, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आज रात तक या कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। अभी ये बात वो मैदे की कटोरी को मत बताना, नहीं तो वो अनिरुद्ध के साथ पूरी रात घूमती रहेगी। कोई बात नहीं बाप, काव्या को जो मर्जी करना है उसे करने दीजिए, घूमने फिरने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, जो करना है उसे करने दीजिए, आई डोंट केयर। और अपना और बापूजी का ध्यान रखिएगा। हाँ, पर तू जा कहाँ रहा है? मुंबई। मम्मी कहाँ रखना है? यही साइड में रख दो पाके। अरे नहीं नहीं, अगर ये सब यहाँ पर रहेगा तो सब भर जाएगा ना, डांस करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वो भी ले ले स्वीटी। और बच्चे आएंगे तो हाथ लगाएंगे, कुछ तोड़ेंगे फोड़ेंगे, यहाँ पर ये गिरेगा, इससे अच्छे स्टोर रूम में रख देते हैं, यहाँ पर धूल मिट्टी भी जम जाएगी तो वो नहीं होगा। लेकिन मैम, स्टोर रूम से बार बार लाने में ना टाइम वेस्ट होता है, और मिट्टी नहीं लगेगी, हम अच्छे से प्लास्टिक में पैक करके रखेंगे। हाँ बेटा, लेकिन अगर वो प्लास्टिक के साथ नीचे गिर गया और बच्चे बिना चप्पल के नाचते उसके ऊपर कोई ऐसे स्लिप करके गिर गया, चोट आ गई तो क्या करेंगे? स्टोर रूम में रहने देते हैं ना, जब जरूरत पड़ेगी तब ले आना, 2 मिनट तो लगेगा। स्वीटी, वो उठाने बेटा। हाँ। ए, समझ समझ। हाँ। वो भगवान के सामने, मतलब तुम लोग का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आज जब मैं दिया लगा रही थी तो भगवान की मूर्ति पे चरक झाले लगे हुए थे, तो 1-2 दिन में मैं से कोई भी मूर्ति को अच्छी तरह से साफ कर देगा फिर दिया लगाएंगे। हाँ। हाँ? और अगरबत्ती उसको जलाने के पहले नीचे प्लेट रख देना, नहीं तो वो राख गिरेगी, लोगों के पैर में आएगी, अच्छा नहीं लगता ना। अरे हाँ, वो बाथरूम का बल्ब, वो फ्यूज हो गया ना सामर, तू बदलने वाला था। ओ हाँ मम्मी, सॉरी मैं भूल गया। अरे कोई बच्चा जाएगा बाथरूम में, गिर जाएगा अंधेरे में, तो क्या करेंगे? आज कर दे बेटा। मैं आज ही बदल दूंगा, डोंट वरी, ओके? और सुन, वो यहाँ पर जो सैनिटाइजर का वो स्टैंड था वो किधर गया? स्टोर रूम में रख दिया है क्या? अरे वो जरूरी है, उतर रखते हैं, बच्चे आते हैं वो ऐसे जूता खोलते हैं तो हाथ गंदे होते हैं, वही मुंह में हाथ साफ करके आएंगे ना। हाँ हाँ मम्मी, टेंशन मत लो, आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा, स्ट्रेस मत लो। इतने टाइम से भी तो संभाल ही रहे थे, आगे भी संभाल लेंगे। हाँ पर अब मैं भी आ गई हूँ तो मुझे भी तो काम करना पड़ेगा ना, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। मम्मी आप बताओ क्या क्या करना है, हम लोग कर लेंगे। हाँ मम्मी, आज हम आपकी डांस एकेडमी को एकदम नया बना देंगे। और मैं आपके अकाउंट्स और बैलेंस शीट देख लूंगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।